आज के वीडियो में हम बनाएंगे वेज फ्राइड राइस। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। एक बड़े पतीले में पानी उबालने रख दिया है मैंने, और यहाँ पे मैंने एक कप बासमती चावल को भिगो के रखा है लगभग 15 मिनट के लिए। पानी में हमें ऐड करना है एक बड़ी चम्मच नींबू का रस, दो छोटी चम्मच नमक और थोड़ा सा तेल। पानी में अच्छा सा उबाल आ जाए तो जो भिगोया हुआ चावल था उसे हम डाल देंगे इसमें। चावल को हमें बस इसी लेवल तक कुक करना है, अराउंड 60% कुक तक। देखिए दाने ऐसे होने चाहिए। हम चावल को स्ट्रेन करके एक छन्नी में रख देंगे थोड़ी देर के लिए। यहाँ पर मैंने गैस पर हाई फ्लेम पर एक लोहे की राउंड बॉटम वाली कढ़ाई रखी हुई है। अगर आपके पास इस तरीके की कोई कढ़ाई हो तो कोशिश करिएगा आप उसी को यूज़ करें। कढ़ाई अच्छे से गर्म हो जाए तो उसमें हम डालेंगे करीब 2 बड़े चम्मच तिल तेल। तेल ऐसे फैला के डालेंगे कढ़ाई में। गरम तेल में अब हम डालेंगे बारीक कटा हुआ लहसुन 1 बड़ी चम्मच। गैस को हमें पूरा टाइम हाई फ्लेम पर ही रखना है। यहाँ पे मैंने 2 हरी मिर्चों को ऐसे स्लिट करके डाल दिया है। लहसुन का कच्चापन जाने तक हम थोड़ा सा पका लेंगे इसे। फिर हम उसमें डालेंगे एक मीडियम साइज का प्याज स्लाइस किया हुआ, और थोड़े स्प्रिंग अनियन के प्याज। प्याज को भी थोड़ा पिंक होने तक भून लेंगे अच्छे से। और अब हम इसमें ऐड करेंगे सब्जियाँ। तो मैंने यहाँ पे 1/4 कप शिमला मिर्च ली है स्लाइस की हुई, 1/4 कप गाजर लिया हुआ है स्लाइस किया हुआ। सब्जियों को भी हम 1-2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर ही स्टर फ्राई कर लेंगे। चाइनीज़ बनाते वक्त फ्लेम हमेशा हाई होनी चाहिए, उसी से चाइनीज़ का मेन फ्लेवर आता है। आधी छोटी चम्मच काली मिर्च का पाउडर डालेंगे यहाँ पर। इसे भी सब्जियों के साथ स्टर फ्राई कर लेंगे। और आखिर में हम डालेंगे लंबी पतली कटी हुई पत्ता गोभी। पत्ता गोभी को हम आखिर में डालेंगे क्योंकि उसका जो थोड़ा सा क्रंचीनेस होता है वो चाइनीज़ में हमें रखना है। 1/4 चम्मच नमक डाल देंगे हम। नमक यहाँ पे हमें कम ही डालना है क्योंकि चाइनीज़ के जो सॉस होते हैं उनमें नमक ऑलरेडी डला हुआ होता है। और अब हम इसमें डालेंगे हमारा कुक किया हुआ चावल। चावल को सब्जियों के साथ मिक्स कर देंगे अच्छे से। इस तरीके से नीचे से हमें उठा के ऐसे फोल्ड करके मिक्स करना है ताकि चावल के दाने जो हैं वो टूटे नहीं। चावल के ऊपर हम ऐड करेंगे 1 छोटी चम्मच सोया सॉस। सोया सॉस को कभी सब्जियों में मिक्स नहीं करें वरना सब्जियों का रंग जो है वो डार्क हो जाएगा। और आखिर में हम ऐड करेंगे 1 छोटी चम्मच विनेगर। मिक्स कर देंगे इसको अच्छे से। गैस अभी भी हाई फ्लेम पर ही है। और बस हमारा वेज फ्राइड राइस खाने के लिए रेडी है। रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगली बार कुछ और मज़ेदार लेकर मिलते हैं। बाय बाय।